दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए, जर्मन शेफर्ड या फिर रॉटवाइलर, तो आज के वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और वीडियो एंड होते होते आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर को। दोनों में से कौन सा डॉग आपके लिए बेहतर हो सकता है ये आप जान सकते हैं इस वीडियो से। तो द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि डॉग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिलता है। दोस्तों वैसे तो दोनों ही डॉग्स बहुत ही शानदार है, रॉटवाइलर भी बहुत शानदार है, जर्मन शेफर्ड भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। दोनों ही गार्ड डॉग्स हैं, बहुत ही अच्छे से आपके घर को गार्ड करते हैं। पर दोस्तों दोनों डॉग्स में कुछ डिफरेंसेस भी है। अब आप ये वीडियो देख के पता कीजिए कि आपके लिए कौन सा डॉग सही है। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। जर्मन शेफर्ड दोस्तों मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड में आता है और रॉटवाइलर लार्ज डॉग ब्रीड में आता है। अगर इनके एवरेज वेट की बात करें तो जर्मन शेफर्ड का जो एवरेज वेट होता है वो 70 से 90 पाउंड्स के आसपास होता है। वही दोस्तों अगर रॉटवाइलर की बात करें तो रॉटवाइलर का एवरेज वेट जो होता है वो 80 से 130 पाउंड तक जा सकता है। तो यानी रॉटवाइलर जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आपको बड़ा डॉग चाहिए तो रॉटवाइलर की तरफ जाइए। अगर आपको उससे थोड़ा छोटा चाहिए पर वो भी बड़ा डॉग है, जर्मन शेफर्ड भी बड़ा ही डॉग है पर रॉटवाइलर से थोड़ा छोटा है, रॉटवाइलर जितना बड़ा नहीं चाहिए आपको, तो आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हैं। अगर दोस्तों हम हाइट की बात करें तो जर्मन शेफर्ड की जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 24 से 26 इंचेस। दोस्तों इससे बड़े या छोटे भी हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह है, पर ये एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रॉटवाइलर की बात करूँ तो रॉटवाइलर का जो एवरेज हाइट होता है वो 25 से 27 इंच के बीच होता है। तो जो अगर हाइट की बात करें तो लगभग सेम है, पर ज़्यादातर जगहों पे रॉटवाइलर 1-2 इंच थोड़ा बड़ा ही होता है जर्मन शेफर्ड से। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब दोस्तों अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो जर्मन शेफर्ड का एवरेज लाइफ स्पैन जो बताया गया है वो है 10 से 13 इयर्स, 10 टू 13 इयर्स, और अगर रॉटवाइलर की बात करें तो 9 से 11 साल तक। अब दोस्तों कोई डॉग ज़्यादा भी जी सकते हैं या फिर उनकी एज कम भी हो सकती है, ये सब कुछ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, वो कितने बीमार है, कितने फिट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो डॉग ब्रीड है आप मान लीजिए जर्मन शेफर्ड को लेके आ रहे हैं और उसमें पहले से कोई बीमारी है या फिर उसके जेनेटिक्स में कोई बीमारी है, उसके पेरेंट्स में कोई बीमारी थी, तो हो सकता है उसकी एज कम हो जाए। और रॉटवाइलर जो बिल्कुल फिट है, एकदम बढ़िया है, उसके जेनेटिक्स भी बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है उसकी एज जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा हो। मैं ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये एवरेज लेके आप चल सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा मेंटेनेंस की तरफ आ जाते हैं। जो जर्मन शेफर्ड होता है उसका जो कोट होता है वो बड़ा होता है, थोड़ा डबल कोटेड भी होता है, मीडियम साइज कोट होता है, और जो रॉटवाइलर होता है वो सिंगल कोट होता है, उसमें ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर मेंटेनेंस की बात करें तो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा शेड करता है, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वही आपको रॉटवाइलर के बाल वगैरह मेंटेन करने पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके वैसे ही शॉर्ट हेयर होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं, जर्मन शेफर्ड के बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों कलर्स की बात करें तो कलर्स में जर्मन शेफर्ड का जो इंडिया में जो ज़्यादातर कलर होता है वो ब्लैक एंड टैन ही होता है, और रॉटवाइलर्स का पूरा बॉडी वैसे ज़्यादातर ब्लैक होता है, फेस वगैरह के आसपास थोड़ा रस्क कलर होता है, थोड़ा मिट्टी टाइप का कलर होता है। वैसे आप जर्मन शेफर्ड के और कलर्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल ब्लैक जर्मन शेफर्ड, और भी कई तरीके के जो नए नए ब्रीडर्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो और भी कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, पर जो नॉर्मल कलर्स होते हैं वो ब्लैक एंड टैन ही होते हैं ज़्यादातर। अब बात करते हैं टेम्परामेंट की। दोनों ही डॉग्स काफ़ी लॉयल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। दोनों ही डॉग एक बेहतरीन गार्ड डॉग है, पर दोस्तों डिफरेंस ये है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि जो जर्मन शेफर्ड है वो एज अ वर्किंग डॉग ब्रीड किया गया था, तो इसीलिए उसको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा नीड होती है,
उसको खेल कूद एक्सरसाइज इन सब की बहुत ज़्यादा आदत है, उसको कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा उसको, वो उसको बोर कर दोगे तो नहीं चलेगा। वही रॉटवाइलर है, उसको एज अ गार्डियन डॉग ही ब्रीड किया गया था, वो गार्डियन डॉग ही है, वो गार्ड के लिए ही है, तो उसको उतनी एक्सरसाइज नहीं चाहिए जितनी जर्मन शेफर्ड को चाहिए, पर उसको भी चाहिए पर उतनी नहीं चाहिए होती। इसके अलावा दोनों ही डॉग ब्रीड बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं, दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, पर जर्मन शेफर्ड काफ़ी इजीली घरेलू माहौल में ढल जाता है, काफ़ी बेहतरीन जो पेट डॉग है वो बन जाता है। रॉटवाइलर को थोड़ा हो सकता है वक्त लगे, थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत हो उसको, क्योंकि वो जब आप उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते तो वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो इन दोनों डॉग्स को संभालने के लिए एक बहुत अच्छा लीडर होना ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छा अल्फा बनना पड़ेगा तभी आप इन दोनों डॉग्स को संभाल सकते हो, ज़्यादातर रॉटवाइलर को। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और आप सीखना चाहते हो तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप रॉटवाइलर से पहले एक बार जर्मन शेफर्ड लेके देखें। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी डॉग ब्रीड होता है, रॉटवाइलर भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी डॉग ब्रीड होता है, पर जर्मन शेफर्ड जितना नहीं, जर्मन शेफर्ड रॉटवाइलर से ज़्यादा एनर्जी वाला डॉग होता है। अगर दोस्तों हम ट्रेनिंग की बात करें, दोनों की ट्रेनेबिलिटी की बात करें, तो जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होता है, उसको ट्रेन करना कंपैरेटिवली आसान है रॉटवाइलर से। रॉटवाइलर भी काफ़ी अच्छे से ट्रेन होता है, पर कभी कभार वो स्टबन भी हो जाता है, कभी कभार वो ज़िद्दी भी हो जाता है, पर जर्मन शेफर्ड बहुत ही खुशी खुशी से ट्रेन होता है, क्योंकि वो वर्किंग डॉग है, उसको काम करना पसंद है। तो जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली रॉटवाइलर से। अब दोस्तों अगर हम दोनों की हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हेल्थ प्रॉब्लम तो कभी भी किसी में भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उन दोनों डॉग ब्रीड के जेनेटिक्स कैसे हैं, उनके पेरेंट्स का जो हेल्थ था वो कैसा है, किस कंडीशन में उनको ब्रीड किया गया है और किस कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। और जैसे कि हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया, एलर्जीज, ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स में कॉमन है। अब दोस्तों जर्मन शेफर्ड किसके लिए सही है और रॉटवाइलर किसके लिए सही है, दोनों ही डॉग ब्रीड फैमिली के लिए सही है, बट अगर आपके घर में फैमिली में तो लोग है ही पर छोटा बच्चा है तो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा प्रेफर कीजिए, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप रॉटवाइलर ले सकते हैं। जर्मन शेफर्ड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए एकदम सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा पर जर्मन शेफर्ड भी आपके साथ कोप अप कर लेता है। रॉटवाइलर ये रेकमेंड किया जाता है कि आपने कभी डॉग पाला हो, डॉग के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो आप रॉटवाइलर लीजिए, आपके बच्चे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हो, आप उसको टाइम दे पाए तब आप रॉटवाइलर लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये डिफरेंसेस कैसा लगा और कौन कौन से ब्रीड्स के बारे में आप डिफरेंसेस जानना चाहते हैं डॉग वर्सेस डॉग के सीरीज़ में, फिर से हमने स्टार्ट किया है डॉग वर्सेस डॉग, पहले जो सीरीज़ चलता था उसको बहुत प्यार दिया आपने, बहुत हिट हुआ तो हमने सोचा फिर से स्टार्ट करते हैं उसको, तो इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्यार देंगे। तो और कौन से ब्रीड्स के बारे में, कौन से ब्रीड्स के डिफरेंसेस जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।